आपके साथ तनवी सूद आपका स्वागत है हमारे चैनल में बॉलीवुड में दो बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश होना अब एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है इस साल रिलीज हो रही ज्यादातर फिल्मों के बीच टक्कर देखने को मिली है जहां एक तरफ इस साल के 15 अगस्त पर प्रभास की साहो अक्षय की मिशन मंगल और जॉन की बाटला हाउस एक साथ बॉक्स ऑफिस आरोप भिड़ने वाली है वही अब लीजिए साल दो के पंद्रह अगस्त का क्लैश भी फाइनल हो गया है ये क्लैश होगा अजय देवगन और जॉन अब्राहिम के बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2020 के 15 अगस्त पर जॉन की सत्यमेव जयते टू रिलीज होने वाली है लगता है ये तारीख जॉन की फेवरेट तारीख बनती जा रही है जहां पिछले साल वो सत्यमेव जयते लेकर आए थे वहीं इस साल वो बाटला हाउस लेकर आ रहे हैं और साल 2020 में वो सत्यमेव जयते टू के साथ बड़ा धमाका करने वाले है कहा जा रहा है की सत्यमेव जयते टू की शूटिंग इस साल नवम्बर में शुरू हो सकती है इस फिल्म को मिलाप जावरी ही डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट भी डायरेक्ट किया था सत्यमेव जयते सत्य में, टू में भी जॉन को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया जाएगा दो सालों से जॉन लगातार अक्षय को 15 अगस्त पर टक्कर देते आ रहे हैं लेकिन 2020 में बॉक्स ऑफिस क्लैश की इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा और जॉन अक्षय के बजाय अजय देवगन से टकराते नजर आएंगे अजय की भुज द प्राइड ऑफ इंडिया भी अगले साल 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होने वाली है ये फिल्म उन्नीस के भारत पाक युद्ध पर बेस्ड होगी इस फिल्म में अजय के साथ सोनाक्षी सिन्हा संजय दत्त परिनी चोपड़ा और राणा दगुपति इम्पोर्टेंट रोल में नजर आएंगे फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक दुधिया कर रहे हैं अजय इस फिल्म में भारतीय वायुसेना के स्कवाडन लीडर विजय कार्णिक के रोल में नजर आएंगे कहना गलत नहीं होगा कि साल 2020 के 15 अगस्त पर वाकई में महाजंग देखने को मिलने वाली है

Uh, but I just want to take one moment off and thank everybody on the stage here. Everybody is a fantastic partner. Munisha, Bhushan, Nora, Nikhil, Runal, Ritesh, uh, fantastic writing. I think you've been everything. Madhu, Sandeep, all of you. Uh, Kumarji, thank you for really being a fantastic partner in distributing this film and supporting us. And my two girls here, who are fantastic. Vinod, thank you so much, Neeraj. Thank you. Sayukta, my head of development, she's written some fantastic films. Uh, she's written Neerja Parmanu and uh, Minakshi, who's uh, been solid like a rock, and every shot she's actually stood behind me. So these, these are invaluable to my process. So I think it's important to recognize everybody out here. Absolutely. Um, all in all, uh, fantastic film. Uh, uh, we're very excited. We're not worried about. Uh,

तो ऐसे ही फिल्में अगर स्क्रिप्ट हो तो जॉन को अप्रोच तो ज़्यादा आसानी होगी ऐसा हम मान के चले आई थिंक समटाइम्स इसके बाद तो मेरी अगली फिल्म एक कॉमेडी है सो आई थिंक आई लाइक टू डू ऑल ऑफ ऑल्स मुझे कॉमेडीज़ बहुत पसंद है <laughs> पागल मेरी नेक्स्ट फिल्म है सो आई थिंक इट्स फन टू डू ऑल ऑफ लेकिन ये दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी वेरी स्पेशल जॉन हालांकि दूसरा सवाल हालांकि हम फिल्म प्रमोशन के लिए यहाँ पर आए हैं लेकिन एक और आजकल uh, मुद्दा है कि पानी की कमी बहुत हो गई है तो वाटर कंजर्वेशन के लिए think, uh, question, think, uh, uh, जो हम लोग ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं सिटी में आई थिंक इफ यू कैन हार्वेस्ट वाटर राइटली कैन वाटर हमें भी बहुत टेंशन होता है जब हमें पता चलता है कि बारिश नहीं हुई है जब बारिश होती है हमें तकलीफ होती है

निखिल जी अगर आपकी बात करें तो आप काफ़ी बोल्ड हैं और आपने डी डे बिना बिना किसी दुराव छुपाव के उसमें हर चीज़ आपने डाली तो फिर ये जो फिल्म थी इस, इस फिल्म में आपने जो चंद्रमोहन जी का एनकाउंटर एंका, में डेथ हुई थी जो मारे गए थे उसके बाद राशिद पकड़ा गया पकड़ा नहीं गया सॉरी उसने जो बयान दिया राशिद का जो बयान था कि हमने जो भी किया और उससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो एनकाउंटर था वो सच में हुआ था और अगर कोई मरा तो सिर्फ वो चंद्र मोहन जी मरे उस वक्त अरुंधति राय से लेके ढेर सारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उसमें केजरीवाल भी थे उसमें दिग्विजय सिंह भी थे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने इसका आ, सपोर्ट किया था और बहुत आंसू बहाए थे तो आपने अपनी फिल्म में चूंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि आप बहुत बोल्डली किसी भी सब्जेक्ट को उठाते हैं तो इसमें पॉलिटिशियंस को क्यों नहीं दिखाया गया जिन्होंने आप जब फिल्म देखोगे मैं आपको लेके जाऊंगा फिल्म देखने के लिए हाँ दे, इसमें इसमें दिग्विजय सिंह है अमर सिंह है अरविंद केजरीवाल है सब है जी। सब लोग है जी, जी। सारे पॉलिटिशियंस हैं इसमें हाँ हालांकि मतलब अगर हाँ है वॉच इट जॉन सर योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्म चर्चा देर आर इवन मोर पॉलिटिशियंस बाय द वे जॉन सर योर सेंटर राहुलियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा मेरा सवाल आपसे ये था सबसे पहले तो ट्रेलर जितना धमाकेदार है आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी पावर पैक लगी सर और कुछ सालों से जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं पैट्रियॉटिक फिल्म रियलिस्टिक फिल्म तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं उस चीज़ को लेकिन एक चीज़ और है कि जब देखा जाता है जब चर्चा होती है कि रियलिस्टिक फिल्म पेट्रियॉटिक फिल्म की तो दो नाम सामने आते हैं एक जॉन अब्राहम दूसरा अक्षय कुमार आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं सर और कुछ ऐसी भी दोस्ती होती है बहुत कम ऐसी दोस्ती देखने को मिलती है कि

The trailer looks promising, very nice, very amazing, Thank and you. we are looking forward for the film. Uh, my question to you is, be it Akshay in Suribanshi, be it the Singham franchise, be Butla House for a matter of fact, कहीं ना कहीं वर्दी जो है वो अपना कमाल दिखा ही रही है and you know footfalls जो हैं जो theatres में लोग आते हैं वो काफी increase होता है. Do you think कि जो वर्दी है या you know playing a cop is a hit formula uh, for a film? No. It's not. Content is the hit formula for a film. If your film's good, it'll run. If it's not good, it will not run. You can wear a cop uniform in a bad film; it will not run. So, content is most important. Uh, John, yeah, uh, John. Uh, with your films, you have been like uh, pulling cars, breaking tires, and now mobile phones. So, is it like deliberately put inside the, the film, or it is like uh, uh, in the demand of the film? I realize I can't break everything. <laughs> I really, <laughs> I enjoy breaking things. So. No, but uh, it should look believable. And I think with me, uh, my director of Satyamev Jayate is sitting here, the cute little boy. Not little, he's quite big actually. <laughs> Milap. So, I mean, uh, I feel sometimes when it looks believable on, a, on, uh, on, a, on an action hero, then so be it. So that's why uh, I think my directors make me do it and I feel I can.